हेलो फ्रेंड्स, आज हम डीजल मैकेनिक ट्रेड में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला, किसी वाहन के पिस्टन का तापमान किस स्थान पर सर्वाधिक होता है? पिस्टन में जो पावर स्ट्रोक होता है, ये आपका सिलेंडर और ये पिस्टन, पिस्टन के जो ऊपरा सिरा होता है थोड़ा डोम टाइप होता है ऐसे, तो उसको आप क्राउन भी बोल सकते हैं। तो इसका जो मैक्सिमम तापमान होता है वो इसके क्राउन शेप पर ही, जहाँ ये उठा हुआ होता है इस पर ही मैक्सिमम तापमान होता है। तो आंसर इज राइट। इंजन पिस्टन कंप्रेशन रिंग बनाई जाती है, जो ये आपका पिस्टन है, पिस्टन के चारों ओर जो ये कंप्रेशन रिंग चढ़ाई जाती है वो किसकी बनाई होती है? तो ये किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की। क्वेश्चन नंबर 3, गियर बॉक्स को जिस धुरी से स्पीडोमीटर का संचालन होता है उसे क्या कहते हैं? जो स्पीडोमीटर का संचालन उसे क्या कहते हैं? ए प्राइमरी, दूसरा ले, सी काउंटर, डी मेन। तो जो आपका स्पीडोमीटर का जो पावर मिलता है वो आपका मेन शाफ्ट से मिलता है। डी इज राइट आंसर। ब्रेक का उद्देश्य है, ब्रेक का क्या उद्देश्य होता है? ए ऊर्जा का संग्रहण करना, बी घर्षण को ताप में बदलना, सी गति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलना, डी गतिज ऊर्जा को ताप ऊर्जा में बदलना। तो जाहिर सी बात, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो दो प्लेटों के बीच क्या होता है? फ्रिक्शन जनरेट होता है, जहां गतिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट में हो जाती है। तो डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्लच किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? स्लाइडिंग, रोलिंग, रोटेटिंग, फ्रिक्शन। तो क्लच होता है वो फ्रिक्शन सिद्धांत के अनुसार काम करता है। डी इज राइट आंसर। ऑटोमोबाइल इंजन में पिस्टन का तापमान ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्यों? पिस्टन पिन से, पिस्टन के किनारे से, पिस्टन के शीर्ष से, पिस्टन रिंग से। ऑटोमोबाइल इंजन में पिस्टन का तापमान ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आंसर सी, पिस्टन के शीर्ष से। इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन तक घूमता है, जो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है उसे पिस्टन कहाँ से कहाँ घूमता है? ये आपका पिस्टन, ये आपका यहाँ पास क्या होता है? टॉप डेड सेंटर, यहाँ क्या होता है? बॉटम डेड सेंटर, सॉरी वो सिलेंडर है, ये यहाँ पास आप क्या होता है? पिस्टन होता है। जो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है वो आपका ये बीडी से जब पिस्टन ऊपर की ओर जाता है तो कंप्रेशन होता है। तो आंसर क्या होगा? इसका जो बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है तो ही क्या होता है? कंप्रेशन होता है। अगला क्वेश्चन, कोल्ड इंजन में पिस्टन स्लैप होने के कारण होता है, जो कोल्ड इंजन होता है उसमें पिस्टन के स्लैप होने का रीजन क्या है? रिंग के अत्यधिक अंतराल, पिस्टन के बोर निकासी के अधिक, पिस्टन के कम क्रिया की निकासी, अत्यधिक कंप्रेशन प्रेशर। आंसर बी इज राइट। पिस्टन से बोर निकासी के अधिक के कारण क्या होता है? पिस्टन स्लैप होता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्रैंकशाफ्ट के टू स्ट्रोक इंजन के एक चक्र में इनलेट वाल्व खुलता है। जो टू स्ट्रोक इंजन होता है उसमें, टू स्ट्रोक इंजन में जो ये क्रैंक होता है, क्रैंक शाफ्ट ये आपका एक रोटेशन करता है तो एक साइकिल पूरा हो जाता है। और जो फोर स्ट्रोक होता है उसमें क्या होता है? एक क्रैंक शाफ्ट दो बार घूमता है तो एक साइकिल पूरा हो जाती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि टू स्ट्रोक इंजन में जब ये क्रैंक एक बार घूमता है तो इनलेट वाल्व कितनी बार खुलता है? तो इनलेट वाल्व केवल एक ही बार खुलता है। अगला क्वेश्चन, पिस्टन से बनाई जाती, जो पिस्टन होता है वो किसका बनाया जाता है? जिंक मिश्रित धातु से, एल्युमिनियम मिश्रित धातु से, तांबा मिश्रित धातु, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पिस्टन होता है वो एल्युमिनियम मिश्रित धातु से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पिस्टन के नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? जैसे ये आपका मान लीजिए पिस्टन है, ये नीचे वाला हिस्सा इसका ऐसे होगा आपका, तो ये नीचे वाले हिस्से को किसको क्या बोलते हैं?
इसके जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे स्लीव बोलेंगे, या स्कर्ट बोलेंगे, या पिस्टन लाइन बोलेंगे, या ग्रूव्स बोलेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, स्कर्ट बोलते हैं। पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से होना चाहिए। मान लीजिए ये सिलेंडर है, यहाँ अंदर पिस्टन लगा है, राइट। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, पिस्टन का व्यास है, और ये क्या है, सिलेंडर का व्यास है। तो जाहिर सी बात क्या है, हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। किसका, पिस्टन का हमेशा क्या होना चाहिए, व्यास कम होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है, आंसर बी इज राइट आंसर, बी कम होना चाहिए। इसका आंसर क्या है, स्कर्ट। अगला क्वेश्चन, इंजन से किसका इस्तेमाल क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट के आश्रय देने के लिए किया जाता है। जो आपका क्रैंक शाफ्ट होता है वो किस पर रखा होता है ये बताना है। क्रैंक केस में सिलेंडर लाइनिंग पर, पिस्टन रिंग पर, या पिस्टन पिन पर। जो आपका क्रैंक शाफ्ट होता है, क्रैंक शाफ्ट जिस पर रखा होता है उसे हम क्या है, क्रैंक केस बोलते हैं। क्रैंक केस का मतलब क्या है, हम जिस पर रखा होता है उसे क्या बोलते हैं, क्रैंक केस। क्रैंक केस ए इज राइट आंसर। ये आपका क्या है, कनेक्टिंग राड है। तो ये कनेक्टिंग राड किसी ना किसी पर तो रखा होगा ना, ये जिस पर ये ऐसे रखा हुआ होता है, जिस पर रखकर ये घूमता है वही है आपका, ये क्या है, क्रैंक केस इसे कहलाता है। अगला क्या है, पिस्टन के ऑयल रिंग को असमान तरीके से रखने पर क्या होता है। अगर आप पिस्टन के जो ऑयल रिंग लगाते हैं, हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए अगर पिस्टन है तो यहाँ क्या होते हैं, ग्रूव्स बने होते हैं, यहाँ ग्रूव्स होंगे जिस पर क्या होगा, दोनों तरफ जिस पर क्या होता है, आपका रिंग को चढ़ाया जाता है। ये ऊपर वाले जो होते हैं वो कंप्रेशन रिंग होते हैं, लेकिन जो ये नीचे वाला होता है ये क्या होता है, ये ऑयल रिंग इस पर लगा होता है। यही बोला कि अगर इसको असमान तरीके से, सही तरीके से नहीं रखेंगे तो होगा क्या, तो क्या होगा, तेल की खपत ज़्यादा होगी। बीज राइट आंसर। सिलेंडर के अंदरूनी व्यास को क्या कहते हैं। ये सिलेंडर आपका है, सॉरी, ये सिलेंडर, इसका जो अंदरूनी डायमीटर इसको क्या बोले जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बोर बोलते हैं। ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इंजन सिलेंडर के अंदर अतिरिक्त हवा के दबाव के साथ बलपूर्वक भेजने की क्रिया को क्या कहते हैं। हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर में किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट को लगाकर जो एयर है उसको बलपूर्वक भेजा जाए, मतलब कि फोर्सली भेजा जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सुपर चार्जिंग। किसी ऑटोमोबाइल में आमतौर पर मैग्नेटो क्या होता है। मैग्नेटो का मतलब क्या है कि जो आपका उसमें दहन के प्रोसेस में सब काम आते हैं, ये वो क्या होता है, एक जनरेटर होता है। कौन सा जनरेटर, डीसी जनरेटर है। अगला क्वेश्चन क्या है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर, या बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक पिस्टन की दूरी क्या कहते हैं। आपका ये पिस्टन, ये सिलेंडर है, ये क्या है, ये टॉप डेड सेंटर और ये बॉटम डेड सेंटर। यही पूछा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी या यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, इसको क्या बोले, स्ट्रोक बोला जाता है। क्या होता है, सीज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इसमें एक्स क्या है। ये जो एक्स लगा हुआ है, एक्स को ये दर्शाया गया है, एक्स का मतलब यहाँ है कि ये जो लगा है, ये चीज किनारे किनारे लगा दिख रहा होगा ना आपको, ये है क्या, तो ये क्या है आपका, वेट जो लाइनर, ये एक प्रकार का लाइनर है लगा हुआ है, तो इसे बोलेंगे क्या हम वेट लाइनर कि ड्राई लाइनर, या फिक्स लाइनर, या कंपोजिट लाइनर। आंसर क्या है, बी, ये क्या है, ड्राई लाइनर है। अगला क्वेश्चन, इसमें एक्स क्या है, ये जो है आपका, ये खांचे जो बने इसमें, ये क्या है, तो ये आपका रिंग ग्रुप्स है, इसी में तो रिंग बनाई जाती लगाई जाती है। इसमें क्या होगा, कंप्रेसर रिंग दोनों में, यहाँ नीचे आयल रिंग लगाई जाएगी, इस वाले में ऊपर वाले में कंप्रेशन रिंग। अगला क्वेश्चन, कौन से प्रकार का दाब छल्ला रिंग ग्रूव में कार्बन को नहीं जमा होने देता है। टेपर फेस्ड रिंग, रेगुलर रिंग, बैरल फेस्ड रिंग, कीस्टोन रिंग। तो क्या है, टेपर फेस्ड रिंग जो होती है वो पिस्टन में क्या है, कार्बन को जमा होने नहीं देती है।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।